ओके मु पुनि थरे आरएफसी को जीवी सेटारे रिजल्ट अपडेट टीम हमर पूरा काम करछि जो माने सटीक एवं निर्भुल तथ्य दउछन जोटा कि आपण देखिबे प्रतिफलन हो रिजल्ट रे आमे विभिन्न समय रे सटीक तथ्य दैछु हमर एटा क्रेडिबिलिटी तो आरएफसी रे जो रहिछन रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद रे रिजल्ट अपडेट टीम ओसे तो शामिल होइछन छत्तीसगढ़ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रे एडिटर सुत प्रकाश होता तांक जानिबा सुत होता किभली भाबे सेठी काम करछि हमर रिजल्ट अपडेट टीम किभली भाबे आमे सटीक तथ्य दउछु पूरा निर्भुल तथ्य सुत होता देखतु जदि भोट गणति कहा ताहले सेटा हूँ न्यूज 18 जदि आम भोट कथा कहवा इलेक्शन कथा कहवा ताहले सेटा हूँ न्यूज 18 न्यूज 18 एमती एक प्लाटफर्म जोटि की आप सठिक आम दर्शक मानू आम बतई था किए जितुची किए आगुआ अच्छी एवं किए पराजय स्वीकार कर कहार सरकार हे किए विरोधी दल से बस वो भाया गठन हे ताकू किंतु ताठू बड़ प्रश्न हूँ यहीटा केमती हुए ताहा जानवाप आम सहित न्यूज 18 ग्रुप एडिटर अच्छा आम सहित राजेश रैना सर 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 ये जो जिस हिसाब से इस पूरे बनाया जा रहा है उड़ीसा के दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि वो भी अगले साल चुनाव पे जाने वाले हैं 2019 को और 19 में वो किस तरह से हम दर्शकों को बता सकते हैं हम कैसे तैयारी करते हैं चुनाव को लेकर। देखिए जैसे चुनाव आयोग तैयारी करता है इलेक्शन की उसी तरह से जब भी किसी कोई इलेक्शन अनाउंस होता है तो 3 महीने पहले हम भी तैयारियों में जुट जाते हैं। तो स्टेट से पूरा डेटा मंगाना, फोटोग्राफ्स मंगाना, कैंडिडेट्स का लिस्ट मंगाना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना लोग जो कॉल सेंटर में रहेंगे और जो वहाँ काउंटिंग सेंटर्स पर रहेंगे। अब देखिए आज 200 से ज़्यादा काउंटिंग सेंटर्स हैं 5 स्टेट्स में और हमारे 200 लोग काम कर रहे हैं काउंटिंग सेंटर्स में अपने। हम किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं करते हैं, जो रियल टाइम है वो अपडेट वहाँ से दे रहे हैं। आपने देखा यहाँ कंप्यूटर के थ्रू एक क्लिक करना है, आप थोड़ा दिखा भी दे उसको, हम आप एक क्लिक करना है, सबमिट करना है और वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा स्क्रीन जी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ, आप यहाँ इनको दिखा सकते हैं ये स्क्रीन पे। जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नतीजा आता है तो एक फ़ोन कॉल आएगा, वो बोलेगा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, तो यहाँ जो हमारा कुलीग बैठा है वो इसको क्लिक करेगा, यहाँ उनकी लिस्ट आएगी उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सपोज़ ये मसूदा है, वो बोलेगा कि यहाँ से जिस भी पार्टी का उम्मीदवार आगे होगा वो यहाँ पर लीड करेगा, यहाँ बटन को सबमिट करेगा, वो स्क्रीन पर चला जाएगा। यानी कि पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है, फुल प्रूफ सिस्टम है और हमारा आदमी रियल टाइम में काउंटिंग हॉल से हमें जानकारी दे रहा है, इसलिए इसमें कोई मतलब किसी शक की गुंजाइश। एक बात कही जाती है इंटरनेट की जमाना है, हैकिंग की डर रहती है, हमारे सिस्टम कितना फुल प्रूफ है? ये फुल प्रूफ है, इंटरनल है हमारा, ये देखिए पब्लिक आईपी पे नहीं है, बाहर नहीं इंटरनेट अवेलेबल नहीं, ये इंट्रानेट पर है जो हमारा ऑफिस का अंदर। क्रेडिबिलिटी के मामले में, विश्वसनीयता के मामले में हम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है हमेशा, उसमें कोई शक ही नहीं है। और आज भी लोगों ने देखा होगा, दर्शकों ने देखा होगा कि नेशनल चैनल्स कहाँ से कहाँ भाग रहे थे और कैसे पीछे आ रहे थे, लेकिन हम बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे अपने इसमें डेटा में और आगे भी ऐसे ही हम काम करते रहे। 2019 पे लोकसभा है, बड़ा चुनाव है, बड़ी बिग फाइट है, तो उसको लेके भी तैयारियां शुरू? बिल्कुल हमने तैयारियां शुरू कर ली हैं। अब देखिए आज 4 स्टेट्स में इलेक्शन थे, हमें कॉल सेंटर में 50 लोग लगाने पड़े, 200 लोग हमें लगाने पड़े काउंटिंग सेंटर्स में। अब आप सोचिए जब पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे हमें पूरी कंट्री में लोग लगाने पड़ेंगे और वो लोग आइडेंटिफाई करने में हम आज से ही जुट गए हैं। तो ये जितने भी लोग होंगे ये तो एक दिन की कभी नहीं होगी, ये लगातार प्रक्रिया होगा, लंबे समय से तैयारियां होगी और लोगों का अभ्यास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 15 साल से हम ये कर रहे हैं, 2004 में हमने पहला इलेक्शन किया था और 2004 से लेके आज तक हम कंसिस्टेंटली नंबर 1 रहे इलेक्शन में और कभी फेल नहीं हुआ आज तक। चाहे कोई मुख्यमंत्री के प्रत्याशी, हमने पिछले बार देखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह खुद बोल रहे थे कि मैं न्यूज 18 को ही देखा और वहीं पे ही सही दिया कि हम जीत रहे, बाकी सभी लोगों ने कांग्रेस को जिता रखा। 2013 में बीजेपी की सरकार बनी थी। बिल्कुल, देखिए आज भी मेरे पास कई पॉलिटिशियंस के सुबह से कॉल्स आ रहे थे, दे आर कंटिन्यूसली वॉचिंग अवर चैनल, वो बधाई भी दे रहे थे कि भाई आपका बिल्कुल सटीक रहा, बाकी चैनल तो इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आज हर पॉलिटिकल पार्टी भी हमारा ही चैनल देख रहे। एक सवाल और भी है कि ये क्या हम लोग बाइलिंगुअल, जैसे अभी हिंदी है तो हम हिंदी पे दे रहे हैं, अंग्रेजी है उस पे दे रहे हैं, क्या जैसे उड़ीसा के दर्शकों के लिए हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि उड़िया में भी हम 2019 में उनको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब उड़ीसा का अपना इलेक्शन होगा तो उनकी अपनी भाषा में आंकड़ा जाएगा, जैसे आज हिंदी में है तो हिंदी में जा रहा है, जैसे तेलंगाना में है तो तेलुगु में जा रहा है, हम हर भाषा का उसी भाषा में आंकड़े देते हैं। यानी कि जो भी हो दर्शक है, जो 62 करोड़ दर्शक है, वो सभी लोग अपने पसंदीदी भाषा से ये देखेंगे, हमको सुनेंगे और जान पाएंगे कि सरकार वो किसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भाषाओं पर यकीन करते हैं, हम भाषाओं के चैनल हैं और हर भाषा में उनके अपना डेटा आएगा और वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
यही शायद सबसे बड़ी खासियत है न्यूज 18 की। अगर न्यूज 18 की अगर बात करते हैं तो चुनाव की बात करते हैं, अगर न्यूज 18 की बात करते हैं चाहे वो काउंटिंग हो, इलेक्शन का प्रोसेस हो, या फिर कौन सत्ता पे आएगा, किसकी बहुमत है, सारी बातें हम यही से सटीक दर्शकों को बताते हैं। हम अफवाह पे विश्वास नहीं करते, हमारी ही जो अपनी जो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं प्रदेश भर में, देश भर में 1200 रिपोर्टर हैं, हम उन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं और उसी नेटवर्क से हम लोगों को देते हैं और यही है। और एथी पाई बोधया जी सबुत्र बड़ा चैनल को हाजी बजुदी कोटा सेट हाउस न्यूज 18 कहीं की ना लोगों को हमें वोट पाई दो और ओडिशार दर्शकों को भी बताइ दो जे आमर राजेश रैना जे आम ग्रुप एडिटर अच्छा सीए ये कथा भी कही जे जो 2019 आम वोट को जीवु सेतबेले आम ओडिया रे ओडिया भाषार लोकों को ओडिया भाषी को तांकर ही भाषा रे आम ही भाषा रे आम तांको खबर बतेइबु सटीक खबर देबु किए जीतिला किए हारिला किए आगो को अछि और कहार स्थिति कौन अछि। निहाती बहुत बहुत धन्यवाद दिए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर श्रीयुक्त प्रकाश होता और ग्रुप एडिटर श्रीयुक्त रेना जहाँ कहते कि भावे अपडेट डाटा सठिक डाटा आम दौर 2004 धारा जारी रही है और निर्वाचन सठिक डाटा कहे न्यूज 18 ग्रुप को ही बुझाऊँ जहाँ लोक जहाँ को पसंद करोचना।